नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 TV, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे हम कांग्रेस और शीला दीक्षित को लेकर। जी हाँ, कांग्रेस जिस तरीके से नीचे गिरती चली जा रही है, कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती चली जा रही है, वहीं इसी बीच अब दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव को लेकर अगर बात करें तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो शीला दीक्षित जैसे चेहरे को टक्कर दे सके। जी हाँ, कांग्रेस ने शीला दीक्षित के राज में ही दिल्ली में राज किया था और अब शीला दीक्षित इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में ये बहुत कड़ी चुनौती है कि कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी को टक्कर दे पाए। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की सत्ता से दूर कांग्रेस अक्सर शीला दीक्षित को याद करती है। 1998 से लेकर 2013 तक शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रही और जनता के दिलों पर राज किया, तो वहीं कांग्रेस उन्हें इसलिए याद करती है क्योंकि शीला दीक्षित अब तो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं और साथ ही कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा कि जिसके नाम पर वो दिल्ली में वोट मांग सके। वहीं बात अगर शीला दीक्षित की करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को दिल्ली का चेहरा बदलने का श्रेय दिया जा सकता है। उनके कार्यकाल में दिल्ली में विभिन्न विकास कार्य हुए। अगर आपने शीला दीक्षित के कार्यकाल से पहले की दिल्ली देखी हो तो आपको शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए विकास आसानी से समझ में आ जाएंगे। दिल्ली में मेट्रो का जो जाल फैला है, फ्लाईओवरों की संख्या बढ़ाकर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाई गई है, सरकारी अस्पतालों और स्कूलों की हालत सुधारी गई है, दिल्ली को हरा भरा किया गया है, वो सब शीला दीक्षित की देन है। दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन सेवा आज पूरी तरह CNG आधारित है, तो इसका भी पूरा श्रेय शीला दीक्षित को जाता है। शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री कार्यकाल से पहले दिल्ली में जबरदस्त बिजली कटौती होती थी। शीला दीक्षित ने बिजली क्षेत्र का निजीकरण करके राज्य के लोगों को बिजली कटौती की मुश्किलों से निजात दिलाई थी। और अब कांग्रेस सत्ता में करीब 6 सालों से दूर है। देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के पास क्या कोई ऐसा चेहरा आ पाता है जो उसे सत्ता की रेस में वापस ले आए। तो इस समय कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो शीला दीक्षित के टक्कर का कोई नेता खोज सके जो दिल्ली में अपनी धाक जमा सके। अब ये देखना होगा कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।